राजधानी पटना में चेन स्नैचिंग की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी तरफ पुलिस ने भी चेन स्निचर के खिलाफ अभियान शुरू किया है। आज एक बार फिर से पटना पुलिस ने चार बड़ी चेन स्निचर को गिरफ्तार किया है। कोतवाली, राजीव नगर, गांधी मैदान समेत विभिन्न थाना क्षेत्र में चेन स्निचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पटना के सिटी SP वैभव शर्मा ने अपराधियों की गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस का चेन स्निचर के खिलाफ अभियान लगातार जारी। गांधी मैदान से हम लोगों ने बल्ली कुमार उर्फ बलिया, पिता का नाम सूरज राम, ये रहने वाला नाला रोड का है, इसको गिरफ्तार किया है। ये पिछले वर्ष जून के माह में चार छिंद की घटना को घटित किया था और इसने जो चेन लूटी थी उसके बदले में इसने एक R15 मोटरसाइकिल खरीदी थी, उसको भी रिकवर किया गया है। इस तरीके से जो इसने घटना में प्रयोग की थी पैशन प्रो वो भी रिकवर है और जो इसने खरीदी थी उन घटना के लूट से वो एक R15 भी रिकवर किया गया है। कुल उस केस में चार कांडों का उद्भेदन हुआ है, तो कुल मिलाकर यहाँ 10 कांडों का उद्भेदन चेन स्नैचिंग का हुआ है और हम लोगों ने चार चेनें बरामद करी हैं और चार गाड़ियाँ और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। अंबेडकर जन सत्याग्रह ममता आजाद क्रांति के तत्वावधान में स्वास्थ्य कार्यकर्ता ममता दीदी ने 8 सूत्री मांगों के समर्थन में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम से DM समाहरणालय तक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ममता दीदी की मांगों में अनुबंध से हटाकर सरकारी कर्मी घोषित करने, ममता दीदी को स्केल के आधार पर मासिक वेतन देने, योग्यता के आधार पर प्रमोशन करने, हॉस्पिटल में कमरा मुहैया कराने, ममता दीदी को सभी प्रकार की भत्ता देने जिसमें 8 लाख का शारीरिक बीमा, 40 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, ममता दीदी को आकस्मिक दुर्घटना होने की स्थिति में उनकी बेटी अथवा बहू को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने, कोरोना काल में ममता दीदी की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण उनके परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने के साथ साथ किसी तरह की भेदभाव नहीं करने की मांग शामिल है। समस्या ये है बात की डिलीवरी हो तो पैसा बने 300 में 19 आदमी ग्रुप लीडर बना के और ना हो एक रुपया ना, अगर जाचा बच्चा सही रह तो पैसा बन, जाचा बच्चा सही नहीं थे तो ना बन, वही खट आ खट के चल जा कर। तो हमने के यही कहना बा कि हमने के 20,000 के मानदेय हो जाए बहुत अच्छा रहे। आपके माध्यम से सरकार को पहले स्वास्थ्य विभाग में ममता जो थी वो ना समझ होने के कारण आपने 14 साल से इस पर शोषण करने का इन पर काम किया सारे ममता दीदियों पर, लेकिन अब बाबा साहेब के मिशन के तहत अंबेडकर जन सत्याग्रह सामाजिक संगठन का जब से नव निर्माण किया गया है तब से एक शाखा बना करके ममता आजाद क्रांति का शाखा बना करके आज हम लोग एक विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें ममता दीदियों का मांग है कि अनुबंध से हटाकर सरकारी कर्मी घोषित करें एवं स्केल के आधार पर वेतन दिया जाए।